और फिल्मों में काम करने वाली से मेरी हैसियत कर दी गई, एक फिल्मों में डांस कर दें, अपना रोल कर दें, वो लोग उनके नाम पर हमारा टिकट काटा गया। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नरेश अग्रवाल अब अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए। अग्रवाल की टिप्पणी पर बीजेपी की महिला नेताओं द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी नरेश अग्रवाल के बयान की निंदा की और बीजेपी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं देश की महिलाएं भी अब नरेश अग्रवाल के इस बयान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी, नरेश अग्रवाल को कोई अधिकार नहीं है कि हमारी बहन जया बच्चन का इस तरह से वो करें, अपमान करें। और वो इतनी बड़ी, इतनी अच्छी इंसान है कि बेहद, और जो है उनको तो राज्यसभा से क्या, उन्हें उससे भाजपा से ही निकाल देना चाहिए ऐसे इंसान को जो किसी महिलाओं की इज्जत नहीं करना जानते। वो अपने घर वालों की क्या इज्जत करेंगे? मेरे हिसाब से तो उनको बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है इस तरह का। मैं कहना चाहूँगी, नरेश अग्रवाल ने जो जया बच्चन जी का अपमान किया है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसे नेताओं को बाहर निकाल देना चाहिए। नरेश अग्रवाल को खुद ही बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें हक नहीं है हमारे देश की प्रतिष्ठित महिला जया बच्चन जी का अपमान करने का या किसी भी महिला पे उंगली उठाने का। जो उन्होंने शब्द कहे, उनके कहे हुए शब्द अपशब्द हैं, उन्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और बीजेपी से बाहर हो जाना चाहिए, या बीजेपी को उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है जया बच्चन जी के लिए। उन्हें नाचने गाने वाली बताया है और ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो उन्हें खुद ही बाहर हो जाना चाहिए और बीजेपी को भी उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। आइए अब आपको वो सुनाते हैं जो नरेश अग्रवाल ने अपने बयान में कहा था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिससे बवाल मच गया? और फिल्मों में काम करने वाली से मेरी हैसियत कर दी गई, एक फिल्मों में डांस कर दें, अपना रोल कर दें, वो लोग उनके नाम पर हमारा टिकट काटा गया। मैंने इसको भी बहुत उचित नहीं समझा और मेरे ख्याल किसी ने भी उसको अपना उचित नहीं समझा। मैं इतना कहूंगा कि मैं जो भी काम मुझे भारतीय जनता पार्टी सौंपेगी, मेरी कोई शर्त नहीं है। तो देखा आपने आखिर किस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है। उसके बाद हालांकि अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी आपत्ति जताई है उनके इस बयान पर। क्या कुछ कहा जरा ये भी देख लीजिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जया बच्चन जी के विषय में उनकी टिप्पणी अनुचित और अस्वीकार्य है। यानी पूरी तरह से नरेश अग्रवाल पहले ही दिन घिरते नजर आ रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया भी उनकी इस गंदी टिप्पणी पर जरूर दीजिएगा। साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हेडलाइंस इंडिया को अभी सब। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।